वल काफिरूना हुमुज जालिमून, काफिर वो है वही काफिर है। आपके कहने न कहने से कौन काफिर है, कौन मुसलमान है, कौन गैर ईमान वाला है, कौन इस्लाम, वो है कि अपने आप को खुद सरेंडर कर देना, फिर अपनी मनमानी। के धर्म दरअसल एक ईश्वर का बनाया हुआ कानून है, जो चिंताजनक होते हैं, जो लोगों को बिल्कुल नस्तर की तरह चुपते हैं, चाहे वो जिस धर्म को मानने वालों, चाहे वो धर्म, चाहे वो ईश्वर को माने या ईश्वर को ना माने। कहते हैं धर्म वह चीज़ है जिसे धारण किया जाए, हालांकि बहुत सारी डेफिनेशन धर्म के होते हैं, सभी के अपने अलग अलग मंतव्य हैं, अलग अलग विचार हैं। किसी ने कहा धर्म वह है जिसे धारण किया जाए, किसी ने कहा धर्म अफीम है, किसी ने कहा धर्म नैतिकता का अंतिम सोपान है। हम लोग धर्म को अपने तरह तरह से, अपने अलग तरह से डिफाइन करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माहौल हुआ है वो इस्लाम को लेकर के माहौल बनाया गया 2014 के बाद से कंटिन्यू पूरे देश में बनाया जा रहा है। कुछ शब्द हैं जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, जैसे जिहाद, काफिर और बहुत सारी चीज़ें को लेकर के। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ गरीब नवाज मस्जिद के इमाम साहब, हम उनसे थोड़ा जानेंगे कुछ शब्दों के अर्थ, ताकि वो कुछ क्लियर हो सके कि बहुत सारी चीज़ें जो कही जाती हैं आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू जो मैसेजेस आते हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। जी सर, आदाब। और सबसे पहले हमें बताइए धर्म क्या है, धर्म का डेफिनेशन क्या है। सर, आप के न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम तमाम देशवासियों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि धर्म दरअसल एक ईश्वर का बनाया हुआ कानून है, उसके मुताबिक जो ख़ास तौर से जो आप इस्लाम धर्म के बारे में आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारा धर्म मज़हब इस्लाम जो है वो ये कहता है कि इस्लाम वो है कि अपने आप को खुद सरेंडर कर देना, अपने आप को मतलब जैसा ईश्वर ने जो पैगाम दिया, जो मैसेज दिया है, उसके ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट हो करके, बिल्कुल यकसुई के साथ में उसको फिर अपने आप को सरेंडर हो जाना, अपने आप को फिर अपनी मनमानी नहीं चलेगी, जो कुछ ईश्वर ने कहा है हम उसके ताबे हम जो है सर को झुका लेंगे। ये है इस्लाम, ये है मुसलमान। अब उसी के साथ एक लफ्ज़ बोला जाता है काफिर, तो सर इस बात को लेकर के, इस वर्ड को लेकर के आज समझ लीजिए कि 2014 के बाद ही से, जैसा कि हमारे सर जी विनय पांडे साहब ने बताया कि भाई 2014 के बाद से धार्मिक को और ख़ास तौर से मुसलमानों को लेकर के, मुसलमानों के जो चंद कुछ ऐसे शब्द हैं जो चिंताजनक होते हैं, जो लोगों को बिल्कुल नस्तर की तरह चुपते हैं, उसको सही डिफिनेशन नहीं करने की वजह से लोग जो आज एक अहवा का एक इशू बना हुआ सर, तो हम वो स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देखिए काफिर लफ्ज जो बोलते हैं ये काफिर है क्या। बहुत से लोग हमारे लोगों में, खुद हमारे मुसलमान लोगों में बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो लोग जो है बुज़ुर्गों को नहीं मानते हैं, अपने औलिया अल्लाह को नहीं मानते हैं, या हमारे मतलब जो है इसके मुताबिक नहीं चल रहे हैं, है ना, तो तरह तरह अलग अलग इश्यूज़ में कहा जाता है। हम उनसे एक ही शब्द को पूछना चाहते हैं कि आपके कहने न कहने से कौन काफिर है, कौन मुसलमान है, कौन गैर ईमान वाला है, कौन बेईमान है, कौन धार्मिक रास्ते पर को फॉलो करता है, कौन नहीं करता है, ये आप डिफ़ाइन करने वाले कोई नहीं है, ठीक है। तो इसको लफ्ज़ काफिर को डिफ़ाइन करने के लिए हम चलो सबसे पहले हम इस धार्मिक पुस्तक हम कुरान के पास हम चलते हैं, कुरान से पूछते हैं कि कुरान तू बता, तू ईश्वर का भेजा हुआ तू कलाम है, अब तू बता कि जो तू अंतिम किताब है, आखिरी पुस्तक है, आसमानी किताब है, अब तू मुसलमानों के इसके ऊपर पूरा गर्व है, पूरा यकीन है, हम इस कुरान पाक के माध्यम से पूरे देशवासियों को, जिसको भी ये वर्ड बिल्कुल चुभता है कि काफिर, हमको काफिर कहा जाता है या मुसलमान है और हमको जो है बिल्कुल वो समझा जाता है, बिल्कुल अनछूत समझा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कुरान से जब हम पूछते हैं कि कुरान तू बता कि काफिर का डिफिनेशन क्या है, कुरान
बवांग दोहल डंकी की चोट पर कहता है वल काफिरूना हुमुज जालिमून, काफिर वो है, वही काफिर है जो जालिम होते हैं, उसको काफिर कहा जाता है। स्पष्ट कर दिया कुरान पाक ने, चाहे वो जिस धर्म को मानने वालों, चाहे वो धर्मिक, चाहे वो ईश्वर को माने या ईश्वर को ना माने, जो भी किसी के ऊपर अत्याचार करता है, जो भी किसी के ऊपर जुल्म उठाता है, जो भी किसी को, चाहे वो अपने घर वालों के साथ, चाहे मोहल्ले वालों के साथ, चाहे मोहल्ले का दादा बन जाता है, बॉस बन जाता है, दादागिरी करता है, या उसका ऊपर से बहुत से बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े विद्वान लोगों के साथ तो नहीं, बल्कि बड़े मतलब सियासी लोगों के साथ, पॉलिटिशियन लोगों के साथ में अगर उसका उठना बैठना रहता है, तो वो चाहता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हम कर लें, ये नहीं। तो फरमाया कि कुरान इसका डिफिनेशन करता है कि जो जुल्म करने वाले होते हैं, जो है अत्याचार करते हैं, जो दूसरों को नाहक सताते हैं, वही दरअसल काफिर हैं। बस इससे बढ़कर के हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर सकते हैं। हमारे पास धार्मिक पुस्तक है, इसमें जो कुछ कहा गया हम उसी चीज़ को हम बयान करते हैं कि वल काफिरूना हुम ज़ालिमून, जो ज़ालिम है, ज़ालिम लोग ही, वही काफिर हैं, चाहे वो उसका कोई धर्म नहीं होता है। बस सर, और शब्द है जिहाद, एक लफ्ज़ जिहाद बोला जाता है, ये भी बहुत चिंताजनक लोगों के सामने इसको इशू बना दिया गया है। सर जिहाद दरअसल ये है कि जिहाद का माने होता है जिद्दोजहद, कोशिश करना, संघर्ष। जिहाद का सही उच्चारण है संघर्ष करना। इंसान अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर को, भविष्य को अपना उज्जवल बनाने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा ताबनाक और रोशन और बहुत अच्छा भविष्य बनाने के लिए, सर अब एक पिता अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में डालता है, बच्चों की निगरानी करता है, बच्चों को सुबह रात में जल्दी सुला देता है ताकि सुबह उसको स्कूल जाना है, और अपने तमाम चीज़ों को सर मतलब सारे प्रोग्राम को कैंसिल कर देता है कि बच्चों की छुट्टी होगी तब बच्चों को नानिहाल ले जाना है, यानी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इनकमिंग होगी कि बच्चों का ड्रेस बनवाना, ये करना, वो करना, बच्चों को आगे ले जाना। तो सर दरअसल माना जिहाद का यह है कि संघर्ष करना, जद्दोजहद करना, कोशिश करना है। तो अल्लाह का फरमान है वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादी, जो लोग हक के रास्ते में, दीन के रास्ते में, सच्चाई के रास्ते में, है ना, यानी बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए अपने सीधे रास्ते में, अगर जालिम को अगर कोई जुर्म कर रहा है, आपके पास इतनी शक्तिशाली है, तो हमारी शरीयत, हमारा मज़हब, हमारा दीन, हमारा मज़हब ये कहता है अगर आपके पास इतनी ताकत है, इतनी अगर आपके पास पावर है, तो आप उस जालिम के पंजे को रोक लो। यही है दरअसल जिहाद है सर, और कुछ नहीं। जिहाद का माना इससे बढ़ करके कोई आपको बता नहीं सकता। जिहाद दरअसल है यही कि इंसान संघर्ष करे अपने लाइफ को उज्ज्वल बनाने के लिए। जो ईश्वर ने आपको क्षमता दी है, बॉडी दी है, सेहत तंदुरुस्ती अता की है, तो दुनिया जहान में फैल जाओ, मेहनत मशक्कत करो, रोजी रोटी अपना कमाओ, और उसके बाद अपने बीवी बच्चों के अपना पालन पोषण करो। यही दरअसल जिहाद है, और इससे बढ़ करके कोई चीज़ नहीं हो सकती। एक आपका जो कलमा है, मुख्य कलमा, हाँ, एक जी ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारा बेसिकली ये बुनियादी फंडामेंटल है, यानी इस्लाम के जो पांच बुनियादी अरकान हैं, यानी उन पांचों में से सबसे अव्वल चीज़ जो है, सबसे फर्स्ट चीज़ जो है सर, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बगैर हमारा इस्लाम, मतलब इस्लाम की बेसिकली चीज़ है, इसको मानना, फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो इसका मतलब अल्लाह का मतलब क्या, अब पहले पूरा जी, इसका मतलब ये होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना, यानी ला इलाहा यानी माबूद सिर्फ एक है, वो निलाकार है, निलाकार बोलते हैं ना सर हिंदी में, तो वो एक है, अल्लाहुस्समद, अल्लाह यानी कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, वही अल्लाह है जिसको हिंदी में ईश्वर बोलते हैं, वही भगवान है, वही गॉड है, वही प्रभु है। सब अलग अलग जबान, अलग अलग लैंग्वेज में, किसी को हमारे यहाँ भी उसको खुदा भी बोलते हैं, अल्लाह भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो है, ये अलग अलग लैंग्वेज चेंज होने की वजह से है, बाकी अल्लाह तो अल्लाह ही है। अरबी शब्द है सर, अरबी शब्द है, यानी पूरे कुरान पाक में अल्लाह का जब भी नाम आएगा तो अल्लाह ही आएगा, अल्लाहुस्समद। तो ये है, तो और इस कलमे का जो अर्थ है वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह सिर्फ एक है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके साथ में जुड़ा हुआ है। यानी मोहम्मद क्या है, कौन है, ये दूत हैं, प्रोफेट हैं, मैसेंजर हैं, ये रसूल हैं, ये कासिद जिसको हम बोलते हैं, जैसे मैसेंजर मैसेज लेके आते हैं, ईश्वर के मैसेज दुनिया जहान के लोगों को पहुँचाते हैं। तो ये कौन है, ये मोहम्मद नाम के एक गुजरे हैं, यानी सऊदी अरब में, यानी उसका जन्म जो है अरब में हुआ,
और फिर वो अंतिम दूत हुए। इसके बाद अब कोई दूत प्रोफेट नहीं आएगा, और मुसलमान तमाम दूतों को, तमाम प्रोफेट को मानते हैं, और लास्ट जो दूत हुए, प्रोफेट हुए, वह है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया कि मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए बंदे उसके रसूल हैं, और हमने उसको भेजा है, इसलिए भेजा, और इससे पहले भी हमने तमाम दूतों को भेजा, वो किस लिए भेजा, ताकि लोगों को सीधे रास्ते की को पालन कराए, उसको बताए। कितने दूत सर हमारे यहाँ, ये कहा जाता है, इसका सही डिफिनेशन तो आज तक कोई बता नहीं सका, इसलिए कि उस ज़माने में लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, न तो कोई इतिहास रचने वाला कोई था। तो दरअसल सर इतना, इतनी बात है कि ये कहा जाता है कि 1,24,000, उसके बावजूद भी बोलते हैं कि उसमें भी कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये लोग आए और तमाम ये मुसलमानों का तमाम दूतों पर, तमाम प्रोफेट पर ईमान है। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई उनका पीरियड ख़त्म हो गया, अब जो लास्ट पीरियड है, ये जो लास्ट वर्जन है, ये लास्ट वर्जन में सुबह क़यामत तक अब यही रहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, इन्हीं का कलमा चलता रहेगा। 1,14,000 कमोबेश जी जो प्रोफेट हैं उनमें क्या, उनमें तमाम लोगों में एक ही चीज़ थी, जो तमाम बेसिकली जो बुनियादी चीज़ थी वो यही था कि बस एक अल्लाह को मानो, है ना, कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहो, तुम कामयाब हो जाओ। ऐसा कहने वाले तो कई 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 लोग हिंदुस्तान में भी हुए हैं, जैसे बुद्ध हुए, जैन का तीर्थंकर हुए, क्या उसमें इंक्लूड होंगे ये? देखिए कलमे के दो अर्थ हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर, इसमें एक ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो सिर्फ अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह आधा बोला, दूसरा वाला नहीं बोला, तब भी वो मुसलमान नहीं होगा, हो सकता है कंप्लीट। इसलिए जैसे आपने बताया कि बौद्ध मज़हब और दूसरे मज़हब धार्मिक के लोग, धर्म गुरु हैं, वो कहते हैं कि नहीं ईश्वर एक है, वो इतना तो मानते हैं, लेकिन दूसरे वाला जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये आधे वाला ये नहीं जोड़ते हैं, ये जोड़ेंगे तब जाकर के मुकम्मल हुआ, तो उसमें इंक्लूड नहीं होंगे ये सर। तो ये प्रोफेट मोहम्मद से पहले के लोग हैं जो 1,24,000 जो आप बोले जितने लोग आए होंगे जी सर, तो उसमें ऐसे ही बोलने वाले बुद्ध लोग, बौद्ध लोग भी थे, या जैन तीर्थंकर लोग भी थे, और दूसरे दूसरे बहुत कबीर, मतलब कबीर तो बहुत बाद में आए, उससे पहले भी बहुत सारे लोग आए। तो क्या वो लोग भी, वो 1,24,000 मैसेंजर्स में से कहीं इन लोगों का भी नाम होगा या हो सकता है? हाँ बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। हमने बताया कि बहुत सी चीज़ें जो है इतिहास में इस तरह से हैं कि अब वो उनका नाम आता पता तो नहीं है, लेकिन हो सकता हो भी सकते हो सकता नहीं भी हो सकते हो, ये कोई मतलब लिखित तौर पर नहीं हो, नहीं कहीं पर मिल रहा है। लेकिन ये इतने पैगंबर आए हैं, इतने दूत भेजे हैं ईश्वर ने, इतने दूत लोगों को, मतलब दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए कि कैसे तुमको रहना है, तुम्हारी एक्टिविटीज़ क्या होगी, हमारे धर्म को पालन करोगे कैसे करोगे, तो इन तमाम चीज़ों को बताने के लिए दूत आए हैं। और उन्हें कौन कौन लोग थे क्या करते थे, कौन सी हैं, तो ये 24,000 का जो कमोबेश जो जी जी प्रोफेट संख्या है, वो भूले बिसरे सबको याद करने के लिए है जो कहीं छूट गए हों या कहीं दूसरे देश में हों, हम आपस में मिला लेंगे या कर लेंगे, ऐसा कुछ करने के लिए ये इतना बड़ा संख्या में, अगर हम बोले तो जो लिखित में है इतने सारे प्रॉफिट तो कहीं दिखे नहीं। हाँ हाँ, तो अगर आप 1,24,000 का संख्या बोल रहे हैं, इसका मतलब दूसरे देशों में भी कहीं अगर ईश्वर के दूत आए होंगे या और कहीं रोम में आए होंगे, मेसोपोटामिया में आए होंगे, भारत में आए होंगे, तो क्या उन सबों को भी आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, हिंदुस्तान में भी आए हैं, इसलिए कि अल्लाह का फरमान ये इसी अंतिम किताब में कि जो है हम जो है हर कौम में हर ज़बान के लोगों के लिए हमने दूत भेजे हैं, हमने प्रोफेट भेजे हैं, तो कोई मुमकिन नहीं है, कोई बहुत मुमकिन है कि वो इन्हीं में से कुछ कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन उसको हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि हमारे पास कोई इसका कोई बाकायदा तौर पर वो प्रूफ नहीं है, इसलिए हम उसको वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ये भी एक बात है। ये जो मजहब को लेकर के चल रहा है पूरे देश में जी सर, क्या मानते हैं, कैसा लगता है जो अभी जो उन्माद चल रहा है पूरे देश में? जी सर, सर इसके लिए तो हम एक बात यही कहेंगे, बैकल उत्साही ने बहुत ही अच्छे अंदाज में, दर्द भरे अंदाज में कहा था कि मुझे बाद में बनाना कोई हिंदू या मुसलमान, मैं मरूं कि इससे पहले मुझे आदमी बना दो। तो विनय पांडे साहब, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हम देशवासियों को हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब को जो है इसको मतलब ख़त्म न किया जाए। देखिए हम
ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। हे से हिंदू और मीम से जो है मुसलमान बनता है सर। जब हम दोनों लोग मिल जाते हैं तब जा कर के ये एक ये पाँचों उंगलियाँ अलग अलग रहेंगी तो एक बच्चा भी उसको कर करके मोड़ सकता है, लेकिन जब पाँचों उंगलियों को हम मोड़ करके इस तरह से कर लेंगे तो हम दुश्मन का जबड़ा तोड़ने के लिए हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। तो यही हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने यही हमको तालीम दी है, यही हमको वो सिखाया है कि चुश्ती ने जिस ज़मीन पे पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में पैगाम हक सुनाया है, उसी हिंदुस्तान की सरजमीन में, उसी हिंदुस्तान की मिट्टी में हम रहने वाले हैं। अब चलते चलते एक आखिरी बात हम कहना चाहते हैं कि हम भी पिए तुम भी पियो रब की मेहरबानी है, प्यार के कटोरे में पिए हम गंगा का पानी। और ये बहुत ही अच्छे शब्द में उन्होंने कहा था, बहरहाल वो शायर का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, मंजर भोपाली ने कहा था। तो सर हमारे ये पूरे असलाफ, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज इसको कभी मतलब वो नहीं बनाया, लेकिन अब जो है राजनीति में इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमको डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आवाम जनता कभी नहीं चाहती कि हम एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं। ये केवल राजनीति लोगों का वो काम है, वो उस तरह से करके हमको आपस में बिखेर करके वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं और उसके सवा और कुछ नहीं है। वो जनता कहाँ जा रही है वो उसके स्वच्छता के ऊपर कोई, दिशा के ऊपर कोई बात नहीं होगी। और जो है सभा साहब सेहत डिपार्टमेंट क्या जा रहा है, महंगाई कितनी चली जा रही है, कहाँ से कहाँ चली जा रही है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। ले दे करके वही काफिर, वही लव जहाद, वही फलाने, वही ढमाने, भैया ये सब पुरानी परंपरा थी। अब कह रहे हैं सर अरे अब ये नई चीज़ ना लाइए, अब नमाज का टाइम हो रहा सर, फिर किसी टाइम बात होगी। हम ये कह रहे हैं सर, अब आप बात हो रही कि भाई मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा करेंगे, हम कहेंगे भाई हम जाके मस्जिद में जाकर, भाई प्रेम से रहो यार, मेरी मोहब्बत से रहो, हम भी पिए तुम भी पिए, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखो। ये हिंदुस्तान, ये गुलदस्ता है, इसमें तमाम धर्म के लोग हैं, ये पूरे विश्व में सर, ये हिंदुस्तान ही ऐसी कंट्री है जहाँ पर तमाम धार्मिक लोगों को, ये हमारे पूर्वजों ने इसको सजाया संवारा। इसमें एक कहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि सूफी संतों का ये देश हमेशा से रहा है, अजाना भी होती हैं, संघ भी बजते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं, यही हमारे देश की खूबसूरती है। लिहाजा खुदा के वास्ते इसको बरकरार रखना देना चाहिए। बस इन्हीं चंद बातों के साथ में हम आपको भी हम जो है ईश्वर से हम जो कामना करते हैं कि आपके माध्यम से ये पैगाम और दूर दूर तक जाए और सारे लोग, सारे देशवासी खुशी अमन के साथ में रहें।